लोकसभा चुनाव अब अपने छठे चरण तक पहुंच आया है। इस फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिला था। दिल्ली हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था और बाकी राज्यों में भी अच्छी बढ़त मिली थी। कांग्रेस तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में ये चरण हर पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं छठे चरण में कहां कहां वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में वोटिंग होनी है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर एक सीट पर वोटिंग होनी है, अनंतनाग, रजौरी में। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। उड़ीसा की बात करें तो संबलपुर, केवझार, ढेंकानाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनापुर, पुरुलिया, बंकुरा, विशुनपुर। इसके अलावा यूपी की बात करें तो 14 सीटों पर मतदान होना है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिल गया था। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे, बीजेपी अपने दम पर 40 सीटें जीत गई थी। वहीं बीएसपी को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू की 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीटें मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी पार्टी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की मानी जा रही है। इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी है। बात करें अगर राज्यों के लिहाज से तो बीजेपी को अपनी बढ़त को लेकर ज़्यादा मजबूत करना है तो इस बार यूपी की 14 सीटों पर स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जमीन पर बदलते हुए समीकरण की वजह से चुनौती बड़ी बन चुकी है। पिछले चुनाव में इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, मायावती की पार्टी को 4 पर जीत हासिल हुई थी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर किया है। वो दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है। बीएसपी के वोट बैंक में सीधे सेंधमारी की तैयारी है। बिहार की बात करें तो वहां पर पिछली बार एनडीए का पूरा दबदबा था, उसने 5 सीटें अपने नाम की थी और आरजेडी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार परिवर्तन ये है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, जिस वजह से कुछ सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प बन सकता है। अब किस तरह से एनडीए अपनी जीती हुई सीटों को बचाता है, सारा मुकाबला उसी बात को लेकर है। इस बार अगर झारखंड की सीटों की बात करें तो यहाँ पे भी दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार 4 सीटों में 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, सिर्फ 1 सीट आजसू जीतने में सफल रही। अब यहाँ भी बिहार की तरह बस इतना बदलाव हुआ है कि इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में वोटों का बिखराव कम हो सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर अनंतनाग, रजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की। इस बार पीडीपी भी वहाँ कड़ी टक्कर देती दिख रही है। पश्चिम बंगाल का रण भी इस तरह से कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। बीजेपी जिस महत्वाकांक्षी टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है, उसके लिए बंगाल में ज्यादा से ज्यादा गेन करना जरूरी है। पिछली बार छठे चरण की बंगाल के 8 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी और ममता बनर्जी की पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अब इस बार बीजेपी के सामने प्रदर्शन दोहराने की बड़ी जिम्मेदारी है। उड़ीसा में पिछली बार 6 सीटों से बीजेपी का कमल 2 पर खिल पाया था और बाकी 4 पर बीजेडी के खाते में गई थी। अब देखना यही होगा कि छठे चरण में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।